और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। उपयोगी है लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है, तो इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो, ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वहां एक रजिस्टर थाने स्तर पर भी होगा, वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है और राज्य के अंदर भी रेड ग्रीन एंड येलो जोन निर्धारित करने के लिए कार्रवाई होगी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे वीडियोग्राफी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होगा, उसको नो फ्लाई जोन के रूप में ड्रोन की कोई भी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो सकती। येलो जोन ऐसा होगा जहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन तय कर सकता है, एक निश्चित अथॉरिटी होगी जहां से उसको परमिशन लेकर के वह कर पाएगा। ग्रीन जोन में सेस एक्टिविटीज जो भी फोटोग्राफी की होगी और अन्य कुछ उसके लिए पाबंदी तय की गई है, कुछ नियमावली एक लक्ष्मण रेखा भी तय की गई है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उसकी परमिशन देने की व्यवस्था उसके साथ करेंगे। यहां एक ड्रोन पॉलिसी को भी आज सरकार ने यहां पर तय किया है